90 के दशक में एक सुपरहिट फिल्म ने फिल्म जगत में कोहराम मचा दिया था। वो फिल्म थी 1990 में रिलीज हुई आशिकी। नए कलाकारों से बनी इस फिल्म के संगीत ने तो लोगों को दीवाना बना दिया था, पर क्या आपको इस फिल्म के बाद राहुल रॉय, अनु अग्रवाल और टॉम अल्टर की कहानी का पता चला? कैसे आशिकी फिल्म के दो स्टार्स बर्बाद हो गए और तीसरे अभिनेता का दर्दनाक अंत हुआ था? चलिए हम आपको सुनाते हैं तीनों की दर्दनाक दास्तान, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। सबसे पहले आते हैं राहुल रॉय पर। इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कलकत्ता में पैदा हुए थे, लेकिन ये सरासर गलत है। राहुल रॉय 9 फरवरी 1968 के दिन मुंबई में जन्मे थे। माँ इंदिरा रॉय यूनिसेफ के साथ काम किया करती थी, जबकि पिता दीपक रॉय दिल्ली में पले बढ़े थे और एक प्रसिद्ध स्विमर और बिजनेसमैन थे। इसी वजह से वो राहुल रॉय और उनके जुड़वा भाई रोहित रॉय को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पिता ने अपने दोनों बच्चों को उसी स्कूल में डाला जहाँ उन्होंने खुद पढ़ाई की थी, सेंट कोलंबस स्कूल, जहाँ उनके क्लास में शाहरुख खान भी पढ़ा करते थे। हालांकि राहुल जब 11 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक होने वाला था, इसलिए दोनों भाइयों को शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल सेंट लॉरेंस सनावर भेज दिया गया। यहाँ बॉलीवुड से जुड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, जैसे इनके सीनियर संजय दत्त थे तो जूनियर पूजा बेदी थी। अब राहुल फिल्मों में कैसे पहुंचे ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। 12वीं पास करने के बाद राहुल का जुड़वा भाई रोहित मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया और राहुल दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई करने लगे। 1987-88 की बात है। उस समय के एक मशहूर फैशन डिजाइनर हुआ करते थे रोहित खोसला। उनकी राहुल से अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने एक बार राहुल से कहा कि तुम्हारा चेहरा मॉडल जैसा लगता है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते? राहुल ने कहा कि अगर काम मिलेगा तो जरूर करूंगा। इसके बाद रोहित ने राहुल को अपनी एड एजेंसी में अपने साथ काम पर लगा लिया। अभी मॉडलिंग करते हुए सिर्फ 20 ही दिन बीते थे। इसी बीच बंबई से दिल्ली एक मशहूर कोरियोग्राफर और डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी आए हुए थे। उनकी नजर राहुल पर पड़ी और राहुल उन्हें पसंद आ गए। वो राहुल को लेकर सीधा बंबई आ गए और बड़े बड़े असाइनमेंट्स उन्हें देने लगे। मगर इसी बीच पिता ने अपनी कंपनी में काम करने के लिए उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया। अब वो नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी किया करते। 1989 की बात है। राहुल की माँ इंदिरा रॉय का एक आर्टिकल छपा था सेल्विन मैगजीन में। वो लेख मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट ने पढ़ा। उन्हें वो लेख इतना ज्यादा पसंद आया कि वो मैगजीन के एडिटर से एड्रेस लेकर सीधा इंदिरा रॉय से मिलने पहुंच गए। वहां अचानक उनकी नजर जब राहुल रॉय की मॉडलिंग वाली फोटो पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। इंदिरा ने बताया कि मेरा बेटा है, मॉडलिंग करता है। महेश भट्ट ने पूछा कि क्या आपका बेटा मॉडलिंग के अलावा फिल्मों में भी काम करना चाहता है? इंदिरा ने कहा कि बेटे से पूछ कर बताऊंगी। इस पर महेश भट्ट ने कहा कि अगर हाँ बोले तो मेरे घर भेज देना। बाद में जब राहुल घर पहुंचे तो माँ ने पूरा किस्सा सुनाया और सुनते ही राहुल कुछ दिनों बाद महेश भट्ट के घर पहुंच गए। बस वहां दोनों में बातचीत हुई और बात बन गई। एक्टिंग आती नहीं थी तो महेश भट्ट ने उन्हें रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल भेज दिया। कुछ दिन एक्टिंग सीखने के बाद शूटिंग शुरू हो गई। पिता को फोन किया और बताया कि अब आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा, तो पिता ने भी हंसकर इजाजत दे दी। नई मॉडल अनु अग्रवाल को इनकी हीरोइन बनाया गया। 1990 में ये फिल्म आई आशिकी नाम से। आते ही इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। फिल्म के गीतों ने लोगों को दीवाना बना दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब भी इस फिल्म का कोई गाना आता तो लोग स्क्रीन की ओर सिक्के और नोटों की बारिश कर देते। रातों रात राहुल रॉय सुपरस्टार बन बैठे, लेकिन यही बदकिस्मती ने उन्हें घेर लिया। बदकिस्मती ऐसी कि उनका पूरा करियर ही बर्बाद कर डाला। इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद राहुल रॉय सोचने लगे कि अब तो काम की कमी ही नहीं रहेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि इनके पास काम ही नहीं आया। कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इनके पास कोई ऑफर लेकर नहीं पहुंचा। इंतजार करते करते आधा साल बीत गया, लेकिन कोई काम नहीं मिला।
फिर 6 महीने बाद एक साथ इन्हें कई सारी बी ग्रेड फिल्में ऑफर हो गईं। काम था नहीं तो एक्टर ने भी इन सारी फिल्मों को साइन कर लिया और यहीं से इनका करियर बर्बादी की ओर बढ़ चला। कहानी और संगीत में दम ना होने के कारण एक एक कर सारी बी ग्रेड फिल्में फ्लॉप होने लगीं। वहीं जो 2 बड़ी फिल्में मिली उनमें राहुल खलनायक बना दिए गए। एक थी संजय दत्त और श्रीदेवी के साथ गुमराह, दूसरी फिल्म थी जुनून जिसमें इन्हें एक नरभक्षी बाघ बना दिया गया। दोनों ही फिल्में हिट तो हुई लेकिन राहुल इसमें ना हीरो रह पाए और ना ही विलन। एक एक कर सारी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं और राहुल रॉय धीरे धीरे कर बॉलीवुड इंडस्ट्री से गुमनाम होते चले गए। लेकिन एक बार फिर इनकी किस्मत खुली जब टीवी पर एक रियलिटी शो शुरू हुआ जिसका नाम था बिग बॉस। बिग बॉस 2006 में राहुल इस शो में पहुंचे और इस शो के विजेता बनकर सबको हैरान कर दिया। फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ लेकिन बदकिस्मती तो मानो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। राहुल रॉय 2020 में एक फिल्म एलिसी लीव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे, तभी उन्हें ब्रेन स्टॉर्म आ गया और वो कई दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि इनके पास अस्पताल के बिल तक का पैसा नहीं था। बाद में सलमान खान की मदद के बाद इनकी जान तो बच गई लेकिन काम के लिए अब इन्हें कोई नहीं पूछता। यहां तक कि इनकी निजी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। पहले पूजा भट्ट से रिश्ता टूटा, इसके बाद मनीषा कोयराला ने धोखा दे दिया और फिर सुमन रंगनाथन ने भी इनसे रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद साल 2000 में मॉडल राज लक्ष्मी से इन्होंने शादी कर ली, वो भी अमेरिका में बिजनेस के सिलसिले में फंस गई और इनसे रिश्ता तोड़ लिया और तलाक दे दिया। आशिकी फिल्म का सुपरस्टार जिंदगी में अकेला रह गया, ना काम बचा और ना ही घर, सब बर्बाद हो गया। अब आशिकी फिल्म से रातों रात स्टार बनी अनु अग्रवाल की जिंदगी जानिए। अनु भी दिल्ली की लड़की हैं। वो 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में ही पैदा हुई। इनके पिता शिक्षा से जुड़े थे जबकि माँ योगा टीचर थीं। अनीता यानी अनु दिल्ली में ही पली बढ़ी। स्टेज प्ले और थिएटर करते करते थोड़ा अभिनय आता था लेकिन कभी भी हीरोइन बनने के बारे में नहीं सोचा था। मगर देखिए किस्मत ने कैसे हीरोइन बना दिया। थोड़े पैसे कमाने के लिए अनु मॉडलिंग करने लगी थी। 1988 के आसपास की बात है, इन्हें एक टीवी शो में एक छोटा सा रोल मिल गया था। इस सीरियल का नाम था इसी बहाने और इस सीरियल में इनके साथ थे सईद जाफरी। इसके बाद पेरिस की एक कंपनी अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए दिल्ली मुंबई से लेकर हर शहर में जा जाकर अपने लिए मॉडल तलाशने लगी। 3 महीने तक मॉडल की तलाश जारी रही लेकिन किसी को नहीं चुना गया। जब अनु को पता चला तो वो भी गई ऑडिशंस के लिए और कंपनी वालों को वैसी ही सांवले रंग की लड़की चाहिए थी। पहली ही नजर में अनु को फाइनल कर लिया गया और अनु पहुंच गई पेरिस। वहां 6 महीने तक काम किया और इसके बाद एक बड़ी एड एजेंसी ने इन्हें वहीं पर पेरिस में ही एक जॉब ऑफर कर दी। अनु वापस मुंबई आ गई और पेरिस में सेटल होने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान अनु का एक दिल्ली का दोस्त बम्बई आया हुआ था, उसने अनु को लंच पर बुलाया। इत्तेफाक से वो महेश भट्ट को भी जानता था तो उन्हें भी इनवाइट किया था। दोस्त के घर अनु खाना खा रही थी कि अचानक महेश भट्ट ने अनु को देखा तो देखते ही रह गए। महेश भट्ट बोले कि तुम स्टार हो, क्या मेरी फिल्म में काम करोगी? अनु ने हंसते हुए बात टाल दी। कुछ दिनों बाद महेश भट्ट का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आकर मुझसे मिलो। अनु ने कहा कि मुझे तो 4 महीनों में पेरिस जाना है, मैं हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। इस पर महेश भट्ट बोले कि मैं 4 महीनों में शूटिंग खत्म कर दूंगा। बहुत मनाने पर अनु मान गई और इस फिल्म में राहुल रॉय के साथ अनु को साइन कर लिया गया। पहली ही फिल्म से अनु इस कदर छाई कि ऐसा स्टारडम तो बड़ी बड़ी हीरोइनों का सपना होता है। जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उस रात अनु अपने घर पर आराम से सोई, लेकिन अगले ही दिन जब वो सुबह सवेरे उठी तो पूरा घर उनके फैंस ने घेर रखा था। लोग दीवाने होकर उनका नाम पुकार रहे थे। आलम ये था कि वो जहां भी जाती वहां दीवारों पर लोग उनका नाम लिखकर आई लव यू अनु लिख दिया करते।
एक बार वो किसी मीटिंग के लिए जा रही थीं। ऐसे में रेड सिग्नल हो गया और लोग उनकी कार को पहचान गए। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर उनकी कार को घेरे वहां खड़े रहे थे। उस दिन अनु को अपनी कार वहीं छोड़कर ऑटो से जाना पड़ा था। यहां तक कि ऑटो वाला भी उन्हें पहचान गया और आशिकी के गाने बजाने लगा। आशिकी फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन चुकी अनु के घर अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नोट भरकर सूटकेस लाया करते और अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया करते। फिल्मों के इतने सारे ऑफर्स थे, लेकिन अनु अग्रवाल की एक बहुत बड़ी शर्त थी कि वो बिना स्क्रिप्ट पढ़े कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगी। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ उन्हीं फिल्मों को साइन किया जिनकी स्क्रिप्ट मौजूद थी, जैसे 1992 में राहुल रॉय के साथ गजब तमाशा, 1993 में मणि रत्नम के साथ थिरुदा थिरुदा और सावन कुमार के साथ खलनायिका, इसी साल राकेश रोशन के साथ किंग अंकल, 1995 में जीतेंद्र और विनोद खन्ना के साथ जन्म कुंडली, 1996 में देवानंद के साथ आई फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। कम ही लोग जानते होंगे कि 1994 में जब एमटीवी भारत में लॉन्च हो रहा था तो इसे लॉन्च करने वाली अनु अग्रवाल ही थीं। इतना ही नहीं, उनकी शोहरत तो विदेशों तक पहुंच गई थी। 1994 में एक जर्मन डायरेक्टर ने अपनी फिल्म द क्लाउड डोर में इन्हें लीड रोल दिया था। अनु के पास काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती ने इन्हें भी बर्बाद कर डाला। 1999 की बात है, वो शूटिंग खत्म करके अपने घर लौट रही थी। अचानक उनकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना बड़ा था कि उनके शरीर की कोई ऐसी हड्डी नहीं बची जो टूटी ना हो। सिर पर बहुत गंभीर चोट लगी। 29 दिन तक वो कोमा में रहीं, लेकिन ना जाने किस चमत्कार से उनकी जान बच गई, पर पूरा चेहरा अब खराब हो चुका था। याददाश्त चली गई और कमर से नीचे के हिस्से को लकवा मार गया। 4 साल बाद योग और ध्यान की बदौलत उनकी याददाश्त लौट गई और वो चलने के काबिल भी हो गईं। मगर कभी इतनी सावली सलोनी रही अन्नु का चेहरा अब इतना डरावना हो गया था कि वो जिन फिल्म मेकर्स को कभी भाव नहीं दिया करती थी, जो उनके घरों में नोटों के सूटकेस लेकर आया करते थे, अब उन सब ने इनसे पीछा छुड़ा लिया और अभिनेत्री का करियर तबाह हो गया। इन दिनों वो योग सिखाती हैं। हादसे के बाद इनसे किसी ने शादी भी नहीं की। अब ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रही हैं। अब आशिकी फिल्म के उस किरदार के बारे में जानिए जो नेगेटिव रोल में भी सब पर भारी पड़ गया था। वो थे टॉम ऑल्टर। वो उतने ही भारतीय थे जितने हम और आप। 1916 में उनके दादा दादी भारत आए थे। इसी देश में उनकी जिंदगी बीती थी और भारत में ही इनके माँ बाप की जिंदगी भी बीती। वो उत्तराखंड के मसूरी में बस गए थे। यहीं 22 जून 1950 को टॉम का जन्म हुआ था। भारत से इन्हें इतना प्यार था कि 18 की उम्र में इन्हें येल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां इनका मन ही नहीं लगा और वापस भारत लौट आए। पिता ने भी देखा कि बेटे का खून भले ही अमेरिका का है, लेकिन इसे भारत की मिट्टी ही पसंद है। ऐसे में एक स्कूल में इन्हें टीचर की नौकरी लगवा दी। अब देखिए ये फिल्मों में कैसे पहुंच गए। 1969 की बात है, इनकी उम्र रही होगी 19 साल। स्कूल में नाटक तो किया करते थे, लेकिन कभी फिल्मों में एक्टर बनने की नहीं सोची थी। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। एक दिन उनका दोस्त आया और बोला कि चल आराधना देख कर आते हैं। टॉम चले गए। वहां सिनेमा हॉल में जब राजेश खन्ना को देखा तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। फिल्म इतनी पसंद आ गई कि 3-3 बार देखने चले गए। वहीं अपने दोस्त से बोले कि मुझे भी अब दूसरा राजेश खन्ना बनना है। मगर उन्हें 2 साल बाद पता लगा कि एक्टिंग की पढ़ाई भी होती है। किसी ने बताया कि पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है जहां ऑडिशंस चल रहे हैं। टॉम भी पहुंच गए ऑडिशन देने। करीब 1000 लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिनमें से केवल 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक थे टॉम अल्टर और दूसरे थे बेंजामिन गिलानी। 2 साल वहां एक्टिंग सीखी, जहां ओम पुरी और नशीरुद्दीन शाह इनके जूनियर थे और शबाना आजमी इनकी सीनियर। सबसे पहले जिनकी नजर टॉम अल्टर पर पड़ी वो थे रामानंद सागर।
1975 की बात है, वो धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में एक कस्टम ऑफिसर का रोल था। इस रोल के लिए टॉम अल्टर को चुन लिया गया। 1976 में ये फिल्म आई जिसका नाम था चरस। पहली ही फिल्म के बाद टॉम अल्टर ऐसा आगे बढ़े कि फिर पीछे पलटकर कभी ना देखा। परिंदा, शतरंज के खिलाड़ी और क्रांति जैसी ना जाने कितनी ही फिल्मों में टॉम अल्टर ने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। फिर आशिकी में उनका वो किरदार जो नेगेटिव होते हुए भी राहुल और अनु से किसी भी मामले में कम नहीं लगा था। टीवी पर भी 90 के दशक में एक शो आता था जिसका नाम था जुनून। इसमें केशव कलसी की निभाई गई इनकी भूमिका को शायद ही कोई इंसान भूल सकेगा। मगर दोस्तों, इस अभिनेता का अंत काफी दर्दनाक रहा। वो 58 या 59 साल के रहे होंगे। त्वचा में बहुत सारी समस्याएं होने लगी। जब चेकअप करवाया तो पता लगा कि उन्हें स्किन कैंसर हो गया था। ये कैंसर धीरे धीरे उनके शरीर में फैलता गया। टॉम ने बहुत इलाज करवाया लेकिन ये बीमारी फैलती ही चली गई और अभिनेता की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। आखिरी समय में तो टॉम बहुत ज्यादा परेशानी में थे। सालों तक कैंसर की बीमारी से जूझने के बाद 29 सितंबर 2017 को टॉम अल्टर की मौत हो गई। दोस्तों, आपको आशिकी के ये तीनों कलाकार याद हैं? अगर याद हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।